तीन गाय और खूंखार शेर। सोनपुर जंगल में तीन खूबसूरत गाय रहती थी। तीनों आपस में पक्की सहेलियां थीं। तीनों ने एक दूसरे को अपनी बहनें बनाकर रखा था। एक गाय का नाम सोनी था, दूसरी दीपा तो तीसरी का भूरी था। सोनी के दो जुड़वा बच्चे थे। बच्चे बहुत ही नटखट और प्यारे थे। भूरी और दीपा भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो बच्चों की मौसियां लगती थी। लेकिन जितना खूबसूरत ये जंगल था और जितनी खूबसूरत इस जंगल में गाय रहती थी, उतना इस जंगल में रहना आसान नहीं था। इस जंगल में कदम फूक फूक कर रखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एक खूंखार शेर रहता था, जो हर समय अपने शिकार की तलाश में रहता था। एक दिन की बात है, सोनी के बच्चे खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं। अरे अरे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? दीपा भूरी, तुम दोनों ने बच्चों को कहीं देखा क्या? ना जाने दोनों कहाँ चले गए होंगे, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। सोनी, तुम चिंता ना करो, हम सब मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। बस इतना है, उस खूंखार शेर की नजर बच्चों पर ना पड़े। जब बच्चे खेलते खेलते दूर पहुंच जाते हैं, शेर उन्हें देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है, और सही मौके का इंतजार करके बच्चों पर हमला करना चाहता था। तब तक शेर बच्चों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। मौका पाते ही शेर एक बच्चे पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है, और दूर जाकर बच्चे को एक ही निवाले में निगल जाता है। दूसरा बच्चा शेर को देखकर घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और बहुत सहम जाता है। बड़ा ही मजा आया इस नन्हे बच्चे को खाकर, लेकिन मेरा तो पेट ही नहीं भरा। वो दूसरा बच्चा कहाँ गया? अब उसको खाकर ही मेरी भूख मिटेगी। शेर का एक बच्चे को खाकर पेट नहीं भरा था, अब वो दूसरे बच्चे को भी खाना चाहता था। इससे पहले कि शेर दूसरे बच्चे को भी खा जाता, बच्चा बड़ी मुश्किल से भागता हुआ अपनी माँ के पास आ पहुँचता है। ओ मेरे बच्चे, कहाँ गए थे तुम, और तुम्हारा भाई कहाँ है? माँ, हम दोनों भाई खेलते खेलते दूर चले गए थे। वहाँ एक बहुत ही खूंखार शेर था, जो भाई को मेरी आंखों के सामने मार के खा गया, और वो मुझे भी खाना चाहता था, पर मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। नहीं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस शेर को छोड़ूंगी नहीं। सोनी अपने बच्चे के लिए बहुत रोती तड़पती है। साथ में भूरी और दीपा को भी सोनी के बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। सोनी, तुम्हारे बच्चे के लिए हमें भी बहुत अफसोस है। वो सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा नहीं था, हमारा भी था। हम भी उसकी मौसियां थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अभी हमें हिम्मत और समझदारी से काम करना होगा। वो शेर है, शेर से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। सोनी, शेर की नजर दूसरे बच्चे पर भी पड़ चुकी है, हमें उसे भी बचाना है, और उसके लिए हम खुले जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि खुले में वो किसी भी समय बच्चे के लिए आ सकता है और हमला कर सकता है। हमें एक मजबूत घर बनाना होगा, ऐसा घर जिसके अंदर वो शेर ना पाए। हाँ सोनी, शेर से बदला लेना इतना आसान नहीं है। जैसा दीपा कह रही है, हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तो हमें दूसरे बच्चे की और अपनी रक्षा करनी होगी, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तीनों गायें अपने लिए एक मजबूत घर बनाती हैं, जिसके अंदर वो लोहे का दरवाजा लगाती हैं। लेकिन दीपा बस दिन रात शेर से बदले की भावना अपने अंदर लेकर जीती है, और सोचती है कि कब उसे मौका मिले तो वो अपने बच्चे का बदला शेर से ले सके। फिर एक दिन की बात है, शेर को बहुत भूख लगती है और वो गाय के दूसरे बच्चे की तलाश में उनके घर तक आ पहुंचता है। अच्छा, तो मजबूत घर भी बना लिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस घर के अंदर नहीं आ सकता? अभी बताता हूँ। शेर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है और गाय से दरवाजा खोलने को कहता है। शेर की आवाज सुनकर तीनों गाय बहुत घबरा जाती है। माँ, ये तो वही शेर है जो भाई को खा गया था, अब ये मेरे लिए आया है, मुझे भी खा जाएगा। तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो बहनों, हमें इस समय घबराना नहीं है, हमें एकजुट होकर शेर से लड़ना है। हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम चाहे जो भी कर लो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता? मैं अपने एक ही पंजे मारूंगा तो ये दरवाजा टूट जाएगा। शेर लाख कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। तभी वो गायों द्वारा बनाए हुए घर के छत के ऊपर चढ़ जाता है। उसे चिमनी का ढक्कन दिखता है। शेर सोचता है कि चिमनी के अंदर से घुसकर नीचे जाकर गाय के बच्चे को
और तीनों गाय को खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। अब देखो कैसे अंदर जाकर तुम सबको खाता हूँ मैं। ये तो हमारी छत के ऊपर आ गया और ये चिमनी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। भूरी तुम घबराओ मत। सोनी तुम शेर से बदला लेना चाहती थी ना, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। इस चिमनी के अंदर और लकड़ियां डालो और आग जलाओ, जिससे ये नीचे आते ही आग से जलने लगे और जलकर मर जाएगा। तीनों गाय चिमनी में खूब लकड़ियां डालकर आग जलाती हैं। जैसे ही शेर चिमनी में घुस जाता है, नीचे आकर वो आग में जलने लगता है। आग से बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है और गायों से आग बुझाने की मदद मांगता है। बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मेरे ऊपर ठंडा पानी डालो, आग बुझाओ। तुझे बचाए हम, तू मेरे बच्चे को मार कर खा गया और ना जाने आज तक कितने मासूमों को मार कर खाया है तूने। तुझे तो इससे भी भयंकर मौत मिलनी चाहिए। सोनी और उसके साथ दीपा और भूरी चिमनी में से जलती हुई लकड़ियां उठाकर शेर को और जलाने लगती हैं। शेर बड़ी मुश्किल से घर से बाहर भागता है और जंगल में पानी की तलाश में आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखता। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक नदी मिलती है। शेर आग बुझाने के लिए नदी में कूद जाता है। शेर के शरीर को लगी हुई आग तो बुझ जाती है, लेकिन शेर के पूरे बाल और आधा शरीर जल चुका था। शेर अब शेर ना होकर एक भीगी बिल्ली बन चुका था। आधा शरीर जल जाने के कारण शेर की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से सोनी, दीपा और भूरी शेर के मरने पर बहुत खुश हो जाती हैं और नाचने लगती हैं। सोनी बहुत खुश थी कि उसने अपने बच्चे की मौत का शेर से बदला ले लिया। शुक्र है भगवान का, ये शेर मर गया, कम से कम अब सभी चैन से तो जी सकेंगे। जिस तरह से सोनी, दीपा और भूरी ने बहादुरी दिखाकर शेर को मारा, अब जंगल के सारे जानवर बिना किसी डर के आराम से खुलेआम आजादी से जी रहे थे। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।